दोस्तों आज है छठ पूजा का दिन, तो सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं हूँ रुद्रपुर के धोबी घाट पे, जहाँ पे रुद्रपुर की छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर कैसे छठ पूजा मनाई जा रही है। दोस्तों अभी मैं धोबी घाट के एंट्रेंस पे और यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे तो लोग छठ पूजा मनाने के लिए आ रहे हैं और आगे इनकी वेदी बनी होगी तो उधर ही अपनी वेदी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज भी किया गया है। ये इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और इस साइड में है यहाँ का धोबी घाट जहाँ पे कि लोग अपनी छठ पूजा मनाते हैं। और यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं और ये इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जंपिंग वाला है, यहाँ पर दो जंपिंग वाले लगे हुए हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं इससे आगे की तरफ और आगे चल के देखते हैं कि आगे यहाँ पर कैसी छठ पूजा मनाई जा रही है। और यहाँ पर ये है सहयोग काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी सहयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर पूर्वांचल समाज समिति की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर सेल्फी उल्फी ले सकते हैं। और ये है इस साइड में इधर का पंडाल और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। इधर की तरफ है कल्याणी नदी और छठ पूजा जो मनाई जाती है वो मोस्टली नदियों और तालाबों के किनारे ही मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व उगते और डूबते सूरज के लिए होता है और उसके लिए जल का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ पर जल होता है यानी कि नदी होती है, तालाब होता है या कुछ ऐसा होता है तो वहीं पर छठ पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। और यहाँ पर भीड़ देखिए बहुत अधिक है और पूरा रुद्रपुर का जो पूर्वांचली समाज है वो यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर अपनी छठ पूजा मना रहा है। तो अभी तो आधे ही लोग आए हुए हैं, जैसे जैसे शाम ढलती चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की और भी संख्या बढ़ती जाएगी। और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ क्योंकि जो कल्याणी नदी की तरफ जाने का रास्ता है वो जो रास्ता है वो इधर से ही है। तो इधर से है यहाँ का रास्ता, तो अभी हम चलेंगे आगे की तरफ और आगे की तरफ चल के हम इसको शूट करेंगे। और ये देखिए ये है इस साइड के नीचे, ये पूरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर पूर्वांचली समाज के सभी लोग छठ पूजा मनाने के लिए आए हुए हैं और बेसिकली रुद्रपुर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी छठ पूजा इधर ही मनाते हैं यानी कि धोबी घाट पे ही मनाते हैं। और ये जो धोबी घाट है ये पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रपुर में, जिसे कि आप ये कह सकते हैं उत्तराखंड यानी कि यूके। तो इस समय आप लोग यूके की छठ पूजा देख रहे हैं और यहाँ पर ये इधर की तरफ देखिए इधर की तरफ भी लोग हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ भी बहुत सारी वेदियाँ बनी हुई हैं और बहुत से लोग यहाँ पर अपनी छठ पूजा मना रहे हैं और ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी की जा रही है। इधर ये महिलाएँ जल में खड़ी हैं और कुछ लोगों की पूजा इधर चल रही है। और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आए हुए हैं। उधर की तरफ एक देखेंगे तो एक महिला उधर अर्घ दे रही है। तो अभी हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर ये देखेंगे तो नीचे है कल्याणी नदी, लेकिन यहाँ के धोबी घाट पर कल्याणी नदी के पानी को नहीं लिया जाता क्योंकि कल्याणी नदी काफ़ी दूषित हो चुकी है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल काला काला दिख रहा है। जब ये सिडकुल में एंटर करती है तब तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, लेकिन जैसे सिडकुल क्रॉस करती है वैसे ये कल्याणी नदी बिल्कुल काली हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगा हुआ है और ट्यूबवेल से यहाँ पर ये पानी भरा जा रहा है। दोस्तों छठ पूजा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है और जहाँ जहाँ पर पूर्वांचली समाज के लोग रहते हैं उन उन कंट्रीज में छठ पूजा बड़े ही जोरों शोरों से और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और बहुत से लोग इस छठ पूजा को देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग इसे देखते हैं। बेसिकली अगर आप
US, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा कहीं भी जाएंगे तो वहाँ के लोग इंडिया की छठ पूजा को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसे कि सूर्य के लिए मनाया जाता है, जिसमें उगते और डूबते सूर्य दोनों की ही पूजा की जाती है। तो इस वजह से ये त्यौहार जो है ना, ये पूरी दुनिया में फेमस है और इस त्यौहार को मनाने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। और इस समय संध्या का अर्घ चल रहा है, लोग इस समय संध्या का अर्घ दे रहे हैं, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और डूबते हुए सूर्य की इस समय पूजा की जा रही है। और कल के दिन यानी नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य की पूजा की जाएगी और इस पूजा का समापन कल के दिन उगते हुए सूर्य की पूजा करने के बाद हो जाता है। और यहाँ पर ये देखेंगे आप लोग, ये पूरा धोबी घाट यहाँ के श्रद्धालुओं से पूरा खचाखच भरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो है, ये पानी भरा जा रहा है और यहाँ पर इसके ठीक बराबर में है कल्याणी नदी। और ये जो त्यौहार है बेसिकली नदियों और तालाबों के किनारे ही मनाया जाता है। और इस साइड में देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे तो पूरे लोगों से पूरा खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पर हर तरफ अर्घ ही अर्घ चल रहा है, अर्घ की प्रक्रिया चल रही है। शाम के डूबते हुए सूरज की पूजा इस समय चल रही है। और इधर है ये लोग कोसी वाले, जो ये गन्ने खड़े हैं, ये कोसी वाले लोग हैं। कोसी उस समय भरी जाती है जब लोगों के घर में कोई खुशी हुई है, तो उस खुशी को उपलक्ष्य में लोग छठ पूजा में कोसी भरते हैं। और ये एक छठ पूजा के दिन अपना एक प्रतीक माना जाता है कि यहाँ पर इनके घर में खुशी हुई है, जिस वजह से यहाँ पर कोसी भरी गई है। तो ये पूजा बेसिकली पूर्वांचलीय समाज और बिहार के लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है और सभी लोग मोस्टली इसको मनाते हैं। शायद ही कोई एक ऐसा होगा जो कि छठ पूजा ना मनाता हो। और यहाँ पर लाइटिंग की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। और अगर हम रोड के साइड में देखेंगे तो वहाँ पर लड़ियाँ वड़ियाँ भी लगी हैं और लोग इसे पटाखों के साथ मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो ये त्यौहार अपने आप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही खास तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जो ज़िला है वो पॉपुलेशन के मामले में नंबर वन है पूरे उत्तराखंड में। और यहाँ पर बहुत से लोग पूर्वांचली समाज के रहते हैं, तो पूर्वांचली समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और मोस्टली यहीं पर अपनी छठ पूजा मनाते हैं। बाकी इसके अलावा भी और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लोग छठ पूजा मनाते हैं, लेकिन जो छठ पूजा यहाँ के धोबी घाट में मनाई जाती है वो छठ पूजा कहीं और नहीं मनाई जाती है। और यहाँ पर ये जो वेदी होती है, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी वेदी होती है जहाँ पर लिखा हुआ है जय छठ मैया, और उसके साथ ये प्रसाद चढ़ा हुआ है, नारियल, गन्ना, केला, एप्पल और अनानास, ये आप लोग देखेंगे। तो लोग अपनी अपनी वेदी पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने उत्तराखंड की यानी कि यूके की छठ पूजा देखी। आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।